कौन स्कूल में पढ़ी जी? हरिजन में। सर जी किसने कहा जो स्कूल से बाहर निकले थी? तो कथी लेबे एलिए? पानी 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 पीबे के लेला ते दूर पेट्रोल पंप पे। पैसा ला बुआ, पैसा पैसा। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते। इसका मुख्य कारण है सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था। सरकारी स्कूल में छोटे बच्चे राम भरोसे स्कूल जाते हैं। बच्चा पढ़ने के बदले कभी भी स्कूल से निकलकर कहीं भी बाहर आराम से घूम सकता है। स्कूल के तरफ से बच्चा का कोई देखभाल नहीं किया जाता है। उनको सिर्फ भारी भरकम वेतन चाहिए। बच्चा पढ़े या कहीं भी घूमे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं AY24 न्यूज। दरअसल मामला कटरा के जजुआर गांव का है, जहां के अनुसूचित मध्य विद्यालय हरिजन स्कूल के इस स्कूल का ये वीडियो है। इस स्कूल के बच्चे पढ़ाई के बदले स्कूल कैंपस से निकलकर कड़कड़ाती धूप में घूमते हैं। कुछ बच्चे ठंडा पानी लेने के बहाने स्कूल से लगभग आधा किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप जाते हैं, लेकिन स्कूल के शिक्षक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनता कि छात्र छात्राओं को कैंपस से बाहर नहीं निकलने दिया जाए। शिक्षक लोगों का काम सिर्फ मोटी वेतन प्राप्त करना है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इतनी गर्मी और धूप में किस तरह स्कूल के छात्र छात्रा स्कूल से निकलकर पेट्रोल पंप पर पानी पी रहे हैं और घूम रहे हैं। ये वीडियो दोपहर 12 बजे की है। यही कारण है कि लोग अपने बच्चे का नामांकन सरकारी स्कूल में नहीं करवाना चाहते हैं। यह एक गंभीर मुद्दा है। इस पे स्कूल के प्रधान अध्यापक महोदय के साथ साथ ग्रामीणों को भी ध्यान देना चाहिए। एक बार स्कूल में प्रवेश करने के बाद मुख्य गेट को बंद कर देना चाहिए, जिससे बच्चा स्कूल कैंपस से बाहर नहीं निकल सके। आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सुझाव दें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे हर एक वीडियो आप तक लगातार पहुंचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।